प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग दो के साखी कविता के बचे हुए अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम घर जा लिया आपना, लिया बुरारा हाथी, अब घर जलो ताश का, जे चले हमारे साथी। तो यहाँ जलिया का अर्थ है जलाया या जलाना, अपना का अर्थ है अपना, बुरारा जलती हुई लकड़ी अर्थात मसाल, हाथी का अर्थ है हाथ, जलों का अर्थ है जलाएंगे, तास का मतलब उसका। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने घर जलाया है, अर्थात उनके अंदर जो मोह माया थी, जो अज्ञानता थी, उसे नष्ट करती है और अब उसके हाथ में ज्ञान की मसाल है और वे कहते हैं कि अब वे उनका घर जलाएंगे अर्थात उनके मोह माया को नष्ट करेंगे और उसे सतमार्ग में ले जाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं अर्थात मोह माया और सांसारिक उलझनों को, सांसारिक सुख सुविधा तथा अन्य उलझनों को त्याग कर जो उनके साथ जाना चाहते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी का कहने का मतलब यह है कि हमें इस दुनिया के मोह माया में नहीं पड़ना है, हमें अपने अंदर के इस सांसारिक मोह माया को त्याग देना है यदि हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं। हम अपने मोह माया सांसारिक सुखों को त्याग करके ही सुख से जी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये साखी कविता यहाँ ख़त्म होती है। अपने अगले कक्षा में हम किसी अन्य पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।